मार मार रही सर में है। और ये एम्स के नाम से ही, एम्स देवघर के नाम से इसे स्वीकृति मिल गई है। इनको फाइनेंशियल 1102 करोड़ रुपए स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जो न्यूज चैनल से पता चला है। उसके अनुसार हमें काफ़ी खुशी है न्यूज चैनल द्वारा कि 100 हमारे देवघर जिले को मिला। और ये काफ़ी पिछड़ा हुआ संथाल परगना क्षेत्र है, जिसमें काफ़ी आदिवासी और गरीब तबके के लोग रहते हैं। और उतना ही नहीं, देवघर तो श्रावणी मेला वर्ल्ड फेम का है, यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते हैं लाखों संख्या में। बहुत बार अनेक तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसके लिए मरीज को रांची भेजने में या दिल्ली भेजने में काफ़ी देर हो जाती थी। तो एम्स होने से सभी तरह के लोगों को फायदा मिलेगा ही। ऐसे संस्थान में जो हमारे देवघर एम्स को दिया गया है, उसमें 750 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है। 750 बेडेड मतलब कि वो सभी तरह के विभाग उसमें होंगे, और 15-20 विभाग उसमें इंक्लूड होगा, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, गायनी, ऑर्थो, सभी तरह के रेडियोलॉजी, एडवांस रेडियोलॉजी, उसमें तरह तरह के सीटी स्कैन, आइसोटोप स्कैनिंग, इवन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर के रूप में भी इसमें बेड रहेंगे अलग से। उसके सभी इमरजेंसी जो डील करते हैं डॉक्टर, इंटेंसिव केयर यूनिट के प्रतिनिधि डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, सभी दिया जाएगा। और उतना ही नहीं, उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मिनिमम 15 से 20 ओटी रहेंगे, ऑपरेशन थिएटर। इसी से समझा जा सकता है कि हर एक विभाग का अपना अलग ओटी रहेगा, और चिकित्सक भी बहुत सारे आएंगे, स्पेशलिस्ट के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट आएंगे, इससे लोगों को बहुत ही फायदा होगा और काफ़ी तरक्की होगा झारखंड में। ट्रेनिंग सेंटर जो है, पहला बात है कि 100 मेडिकल स्टूडेंट का एडमिशन होगा MBBS कोर्स में। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी हो रही है, तो इससे तो सबसे पहले मेरे देश को फायदा होगा, प्रदेश को। तो मैं समझता हूँ जब एम्स हमारा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 100 डॉक्टर्स निकलेंगे, तो 25% भी आएंगे, तो समझिए कि 25% हमारे झारखंड को 30% मिलेगा। हमारा जो अभी देवघर जिले में ANM लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन वहाँ पर GNM का मैंने ग्रेजुएट कोर्स शुरू होगा GNM, और उसमें भी लोगों को काफ़ी फायदा होगा। उतना ही नहीं, पैरामेडिकल कोर्सेज की भी यहाँ पे शुरू होगी, जैसे पैथोलॉजी का, रेडियोलॉजी का, और बहुत सारे विभाग के पैरामेडिकल कोर्स शुरू होंगे, और PG के कोर्स शुरू होंगे। जब MC है तो फिर जरूर सभी ब्रांच का कोर्स शुरू होगा। हम लोग तो चाहेंगे कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन खाली स्थानीय होने से नहीं होगा, उनको योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे हमसे पढ़ाने के लिए अगर यहाँ के डॉक्टर्स होंगे जो MBBS, MD, DM किए हुए, तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे। और जहाँ तक 3rd ग्रेड 4th ग्रेड क्लर्क, इसमें तो मेरा विचार अपना है कि 100% यहाँ के लोग को नियुक्ति होनी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध हमारे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए है, यहाँ लोग देश विदेशों से पूजा करने आते हैं, लेकिन अब हमारे देवघर एवं पूरे संथाल परगना के लोगों में ये खुशी है कि अब देवघर से बाबा मंदिर के नाम से ही नहीं, बल्कि एम्स के भी नाम से जाना जाएगा। देवीपुर में जो एम्स बनने जा रहा है, उससे हर समुदाय, हर लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचने वाली है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखा करते थे न्यूज़ में या किसी भी पेपर में कि यहाँ से लोग इलाज करवाने जाने के क्रम में ही, रास्ते में ही, चाहे पटना हो, रांची हो, दुर्गापुर हो, उसी क्रम में कई लोगों की मौत हो जाती थी, क्योंकि यहाँ ऐसी सुविधा थी नहीं। तो यहाँ ऐसे सुविधा होने के कारण अब लोगों की मौत नहीं होगी, जिसके कारण एक उचित इलाज हो पाएगा। और यहाँ के लोगों में बहुत ही खुशी है कि अब इलाज के कारण किसी की मौत नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा खुशी है। हम सब लोगों ने मिल के सराहनीय कार्य भी किया है एम्स को यहाँ लाने का, और बधाई देते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले देवघर जो है बाबा धाम के नाम से जाना जाता था, देवाधिदेव देव महादेव की नगरी है ये। अब जब से एम्स यहाँ पे पास हुआ है, अब देवघर में एम्स की लेके लोग देवघर को भी जानेंगे, साथ ही साथ देवघर के अलावे पूरे झारखंड
कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज के डेट में इस बजट में सरकार की, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे संथाल परगना में मेडिकल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, और एम्स बन जाने की वजह से नज़दीकी जितने भी राज्य हैं, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह के लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देवघर वासियों में बहुत ज़्यादा खुशी है। अब तो ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ से अभी दिल्ली तक जाते थे अपना इलाज कराने के लिए, छोटे छोटे दिक्कत का समाधान यहाँ नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये हो गया है कि 4 से 5 साल में जब एम्स बन के तैयार हो जाएगा, सारे देवघरवासी अभी इसके लिए लेके बहुत खुश हैं। हम लोग खुद खुश हैं। लोगों में अब ये उम्मीद हो गई है कि हम लोग अब इलाज के चलते कम से कम देवघरवासियों की मौत नहीं होगी।